Hi everyone. Hi everyone. Today I start the trigonometry part 4. I hope you are enjoying all videos. I think your doubt will be clear. ये 8.1 आपकी एनसीईआरटी बुक का 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है. इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपकी 8.1 के कंप्लीट हो जाएंगे. इसके बाद में हम पार्ट 5 में 8.2 स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है. tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 4/3. tan थीटा इक्वल टू 4/3. लास्ट हम सेम वही फॉर्मूला यूज में लेते हैं. ये साइन, ये कोस, ये tan. tan यानी पी अपॉन में बी दे रखी है, यानी परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है. देन राइट ट्रायंगल बनाते हैं. ए बी सी वही राइट एंगल. परपेंडिकुलर की मतलब 4, बेस की 3. ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है, ये एक्चुअली क्या आएगी? 5 ही आएगी. निकाल के भी देख लेते हैं. ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. बी सी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 3 स्क्वायर. वो 4 जा 16 प्लस 3 जा 9 25. ए सी स्क्वायर है तो किस में चेंज हो जाएगा? रूट में. मैं बता चुका हूँ आपको, रूट 25 मीन्स 5. ए सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 5 आ गई. अब हमें प्रूफ क्या करना है? देखिए ईजी है सारा, थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है. सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 1/√7. अब sec थीटा, sec थीटा क्या होता है? साइन कोस टेन, कोस का उल्टा होता है h अपॉन में b. h कितना है अपने पास? h 5 और b कितना है? 3. 5 अपॉन में 3 माइनस कोसेक कितना है? कोसेक साइन का उल्टा होता है, हमने वीडियो में बताया था आपको पहले. h अपॉन में p, h कितना है? 5 अपॉन में p कितना है? 4. देन सेम आ जाएगी वैल्यू, बस साइन चेंज हो जाएगा बीच का. थ्री और फोर का एलसीएम लिया 12. थ्री को 12 से डिवाइड किया 4. 4 5 जा 20 माइनस 4 3 जा 3 5 जा 15. 3 4 जा 12. ये सेम आ जाएगा, 20 प्लस 15 आ जाएगा. आगे करते हैं इसको. 5 अपॉन में 12 और 35 ये रूट में है सारा. ट्वेल्व से ट्वेल्व कट गए तो 5 अपॉन में 35. 5 बन जा 5 7 जा √1/7 का होल रूट. यानी रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है. 1/√7 दैट इज ट्रू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लास्ट वीडियो ऑफ योर एक्सरसाइज 8.1.